दोस्तों ये भी सवाल बहुत अच्छा है। इसमें वेक्टर ए दिया है, कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, और बी भी दिया है। कहा गया है कि आपको फाइंड आउट निकालना है वैल्यू ऑफ टी व्हेन दे बिकम ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब समझ रहे हो कि ए और बी जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा, उस समय बताना है कि किस समय ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। काम करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको बताया है। जब भी ऐसी सूरत हाल हो तो ए डॉट बी कर दीजिएगा। फायदा क्या होगा, ये आप जानते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और ऑर्थोगोनल के केस में थीटा कितना होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री, कॉस 90 0। बस काम बन गया। क्या करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट में सोती सर ने क्या चीख चीख के चिल्लाया है, मित्रों आई आई जे जे के का गुणा होगा, तो आई आई का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, अब हमसे दोबारा ना लिखवाइए, ये आई आई है, तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू, जे जे यानी प्लस हो गया, साइन ओमेगा टी, देखिए बेटा साइन ओमेगा टी बाई टू बराबर 0। देखिए ये क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और आप जानते हैं जब प्लस होता है तो क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और जब ये माइनस होता है तब क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। कॉस 0 कब होता है बेटा, जब कॉस 90 होता है, यानी कॉस पाई बाई टू, क्योंकि तो उत्तर आपको पाई बाई टू के टर्म दिए, कॉस कॉस कैंसिल कर दिए, ओमेगा टी में से आधा ओमेगा टी गया तो ओमेगा टी बाई टू बचा, देखिए बेटा, और यहाँ क्या है बेटा पाई बाई टू है, दो दो कैंसिल हो गए, आपको टी निकालना था जो कि किसके बराबर होगा, पाई अपान ओमेगा, आप कह सकते हैं फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन।